हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज एसिमेट्री। देखिए, एसिमेट्री का मतलब होता है सिमेट्री। क्या होता है सिमेट्री का मतलब? क्या होता है जब हम किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो सिमेट्री हो गया। तो एसिमेट्री उसका ठीक उल्टा, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को अगर डिवाइड किया है ना तो वो इक्वल नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है, उसे एसिमेट्री कहा जाता है। यानी कि एसिमेट्री एग्जिस्ट व्हेन द टू हाफ्स ऑफ समथिंग डोंट मैच और आर अनइक्वल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बैलेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Teacher explained asymmetry by showing the student shapes with sides that were different in length. The next one is pragmatic. इसका मतलब होता है practical होना, उसी pragmatic कहा जाता है, यानी कि यथार्थवादी। Dealing with problems in a practical way rather than by following ideas or principles. तो इसका antonym क्या हो जाएगा? Impractical. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। We need to adopt a more pragmatic approach. The next one is harmonious. इसका मतलब होता है friendly होना, peaceful होना, झगड़ा नहीं करना किसी के साथ, उसे harmonious कहा जाता है। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Amicable. Antonym क्या हो जाएगा? Unfriendly. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। The two colors are harmonious and as such blend together quite nicely. The next one is wrangling. देखिए, wrangling का मतलब होता है खटपट, यानी कि if you say that someone is wrangling with someone, यानी कि अगर कोई किसी के साथ रैंगल अगर कर रहा है तो मतलब वो किसी क्वेश्चन पे या किसी इश्यू पे ना बहुत लंबे समय से ना लड़ाई कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, उसे रैंगलिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्ग्यू। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ लीगल रैंगल विद द हेल्थ सेक्रेटरी। द नेक्स्ट वन इज रेमिट। देखिए, रेमिट के ना दो मतलब होते हैं। एक रेमिट का मतलब होता है पैसा आदि किसी व्यक्ति या स्थान को भुगतान करना, और एक रेमिट का मतलब होता है जब किसी का कर्ज, किसी का कर्तव्य या किसी की सजा में अगर छूट मिल जाए ना तो उसे भी रेमिट ही कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसाइन और डिक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटेन और इंक्रीज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ग्रुप हैज बीन गिवन अ रेमिट टू एग्जामिन वेज ऑफ इंप्रूविंग द लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है जब एक ग्रुप ना किसी बात पर अगर सहमत हो जाए या एक मत हो जाए ना तो उसे यूनैनिमस कहा जाता है। यानी कि व्हेन अ ग्रुप और अ डिसीजन इज यूनैनिमस इट मींस दैट एवरीवन इज इन टोटल अग्रीमेंट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू अग्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्प्लिट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर डिसीजन वॉज यूनैनिमस। नेक्स्ट वन इज इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, यानी कि इफ यू इम्पोज समथिंग ऑन पीपल यू यूज योर अथॉरिटी टू फोर्स देम टू एक्सेप्ट इट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The conditions imposed on volunteers were stringent. The next one is sui generis. इसका मतलब होता है, देखिए, अगर कोई चीज़ ना sui generis है ना तो मतलब कि वो यूनिक है, सबसे अलग है, सबसे जुदा है, उसे sui generis कहा जाता है। यानी कि if you describe a person or a thing as sui generis, you mean that there is no one else or nothing else of the same kind. And so you cannot make judgments about them based on other things. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Unique. Antonym क्या हो जाएगा? Common. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। Japanese politics are sui generis. The next one is embroil. Embroil का मतलब होता है involve होना किसी चीज़ में, उसे ही embroil कहा जाता है। यानी कि if someone embroils you in a fight or an argument, they get you deeply involved in it. तो इसका antonym क्या हो जाएगा? Calm. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। Any hostilities could result in retaliation and further embroil UN troops in fighting. The next one is prolonged. देखिए, prolonged का मतलब होता है कोई चीज़ अगर ना बहुत लंबे अवधि तक चले ना उसे ही prolonged कहा जाता है, यानी कि continuing for a long time. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Lengthen. Antonym क्या हो जाएगा? Shorten. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। They prolonged their visit by a few days. The next one is tussle. Tussle का मतलब होता है झगड़ा। अब इस झगड़े में ना हाथ पैर भी उड़ जाता है, उसे ही tussle कहा जाता है। यानी कि if one person tussles with another or if they tussle, they get hold of each other and struggle or fight. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Scuffle. Antonym क्या हो जाएगा? Harmony. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। The residents are still tussling over the ever scarcer street parking. The next one is elated. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रसन्न होना, उत्तेजित होना, उसे elated कहा जाता है। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Delighted. Antonym क्या हो जाएगा? Depressed. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। I felt strangely elated at the news. The next one is contrary. देखिए, इसका मतलब होता है विपरीत, यानी कि completely opposite, उसे contrary कहा जाता है। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Contradictory. Antonym क्या हो जाएगा? Similar. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द रिजल्ट इज contrary टू एक्सपेक्टेशन। द नेक्स्ट वन इज antagonism. इसका मतलब होता है घृणा या विरोध की भावना, उसे antagonism कहा जाता है। यानी कि अ फीलिंग ऑफ हेट एंड ऑफ बीइंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Hostility. Antonym क्या हो जाएगा? Enmity.
आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. देर इज अ हिस्ट्री ऑफ एंटागनिज्म बिटवीन द टू टीम्स. द नेक्स्ट वन इज अबेटिंग. इसका मतलब होता है धीमा होना, यानी कि टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, उसे हम कहते हैं अबेटिंग. तो इसका सुनारिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटेंड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द फाइटिंग इन द एरिया शोज नो साइन ऑफ अबेटिंग. द नेक्स्ट वन इज रिजॉल्व. देखिए इसके ना दो मतलब होते हैं. एक रिजॉल्व का मतलब होता है किसी समस्या का हल निकालना, यानी कि टू फाइंड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम, उसे हम कहते हैं रिजॉल्व. और एक रिजॉल्व का मतलब होता है कि जब अपने ना मन बना लिया ना कोई काम करने का या किसी चीज पे अगर आप अड़ जाते हैं ना, तो उसे भी रिजॉल्व ही कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिटरमाइन और कंक्लूडेड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनरिजॉल्व्ड और रिफ्यूज्ड. इसके ना दो सेंटेंसेस है. एक सेंटेंस है, आवर टीम मेड अ स्टर्न रिजॉल्व टू विन. द नेक्स्ट वन इज वी मस्ट फाइंड अ वे टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बिफोर इट्स टू लेट. द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड हिज फादर. द नेक्स्ट वन इज एम्फसाइज. एम्फसाइज का मतलब होता है किस चीज पे ना जोर डालना या किसी चीज पर विशेष बल डालना, उसे ही एम्फसाइज कहा जाता है. यानी कि टू शो दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और वर्थ गिविंग अटेंशन टू. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीइंफोर्स. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डी एम्फसाइज. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ऑल द आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट सर्व टू एम्फसाइज द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग दिस डिसीज. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.